में मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की याचिका, आसाराम पर उदय मंदिर तत्कालीन SHO को धमकाने का आरोप, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस MN भंडारी पहुंचे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में आयोजित रेफरेंस मिल करेंगे शिरकत। जस्टिस मोहम्मद रफीक का आज है विदाई रेफरेंस, मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में आयोजित होगी रेफरेंस। प्रतापगढ़ जिले में कोचिंग सेंटर संचालक छात्रों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। इस मामले में छात्रों ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। देश विदेश के ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की तैयारी, ब्यावर डिपो ने पुष्कर मेले के लिए आज से शुरू की अतिरिक्त बस सेवाएं। 3 दिनों तक पुष्कर जाने वाली यात्रियों को कम दर टिकट में ब्यावर डिपो कराएगा पुष्कर की यात्रा। डिपो मैनेजर रघुवीर सिंह राजावत ने दी जानकारी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहुंचे दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान, अविनाश पांडे, अशोक चौहान, बालासाहेब थोराट चार्टर विमान से दिल्ली पहुंचे। शाम 4 बजे CWC की बैठक में होंगे शामिल। RU कुलपति के खिलाफ जांच का मामला, आज जाना गया कुलपति का पक्ष, सभा की है आयुक्त KC वर्मा ने जाना पक्ष, राज्यपाल को सौंपी जानी है रिपोर्ट। पार्षद के 60 वार्डों के लिए शहर में बिछने लगी चुनावी चौसर, चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों ने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। ऑटो में माइक के माध्यम से दादोसा वोट दो, काकोसा वोट दो का शोर दे रहा है सुनाई। सहकारिता विभाग की अहम बैठक शुरू, प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार ले रहे हैं बैठक। विभाग में ऑनलाइन कामकाज पर हो रही चर्चा, पूरी तरह से ऑनलाइन होगा कामकाज। सहकारी समिति रजिस्ट्रार नीरज की पवन भी मौजूद। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ होने के चलते अस्पताल में भर्ती हुई। जयपुर के JLN मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में भारतीय अटल सेना द्वारा भारतीय अटल गौरव रत्न अवार्ड 2019 का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अंजन कुमार गोस्वामी जी एवं प्रदेश सांसद श्री रामचरण बोरा जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया आयोजन का शुभारंभ। सटासट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।